स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस को डिस्कस करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मर और कन्फर्मेशनल आइसोमर। यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स आइसोमर्स एटम्स का डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है अंतरिक्ष में, उनकी जो अलग अलग जो व्यवस्था होती है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के द्वारा जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स प्राप्त होता है अपन को एटम्स का, उसी को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आप एक एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि स्टेगर्ड कन्फर्मर होता है और एक एक्लिप्स कन्फर्मर होता है। यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखो ये सामने वाला दोनों में सेम है, लेकिन पीछे वाले का अरेंजमेंट देखो, ये स्टेगर्ड फॉर्म में और ये एक्लिप्स फॉर्म में। अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है, और ये ब्लैक वाली वॉल क्या हो जाए, कार्बन, तो ये एथेन का कन्फर्म हो गया, एथेन का स्टेगर्ड कन्फर्मर। तो ये एथेन का स्टेगर्ड कन्फर्मर आ गया, ये वाली वॉल क्या है, हाइड्रोजन, और ब्लैक वाली क्या है, कार्बन। इसी प्रकार ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन हो जाए, ये सोहार्स रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन होगा ना, अपन साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसी प्रकार अगर हम एथेन का न्यूमन पोजिशन फॉर्मूला देखें तो आप देखोगे कि यहाँ भी अरेंजमेंट जो एटम्स का है वो अलग अलग है। जैसे सामने वाला सेम है, लेकिन पीछे वाला एक तो स्टेगर्ड कन्फर्मर होता है और एक एक्लिप्स कन्फर्मर होता है, जो कि ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को अगर 60 डिग्री एंगल से अपन रोटेट करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्लिप्स कन्फर्मर। अब होता क्या है कि जो कन्फर्मर्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं आइसोमर्स का, जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, कि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन एक्लिप्स में कन्वर्ट होता है और एक्लिप्स किस में कन्वर्ट होता रहता है, तो स्टेगर्ड में कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनके क्या है, कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो जाते हैं, और ये एक ही सेकंड में मिलियंस टाइम एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसके कारण हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कन्फर्मेशन आइसोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, अब आगे देखो, जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे ये हाइड्रोजन परोक्साइड है, अगर ये लाल बॉल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परोक्साइड में ये होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हैं 180 डिग्री, तो हमें ये कन्फर्मेशन प्राप्त होता है, और इसी को किसी और एंगल से रोटेट करेंगे तो हमें सी कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन परोक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन को बताती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया, ये कन्फर्मर क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के द्वारा जो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट अपन को प्राप्त होता है, उसी को हम कन्फर्मर्स कहते हैं। अब आगे देखो, द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फ्री, इट इज हिंडर्ड एंड रिक्वायर्ड वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इजिली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर बाय मोलिकुलर कोलिजन्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में अपन जो रोटेशन करवा रहे हैं वो फ्री नहीं होता है, वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर मोलिकुलर कोलिजन्स के द्वारा हमें प्राप्त, हमें क्या, इनको प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा ये रोटेट करते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो रोटेशन है फ्री नहीं होता, वो हिंडर्ड होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी बैरियर होता है। इसीलिए तो जो स्टेगर्ड कन्फर्मर होता है वो एक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी आगे देखेंगे क्यों स्टेबल होता है।
द स्टडी ऑफ द एनर्जी चेंजेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। क्लियर, कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। क्लियर, इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में हम कहना चाहें तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हाउ कन्फर्मेशनल इफेक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स प्रॉपर्टी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कन्फर्मेशनल फैक्टर्स मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टी को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन ही कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहलाता है। यह बात हो गई कन्फर्मेशनल एनालिसिस की परिभाषा। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है जब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, एथेन का, ब्यूटेन का, साइक्लोहेक्सेन का, आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स होती है जिनका अध्ययन करेंगे, जिसको समझेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डाइहेड्रल एंगल, इसी को हम बोलते हैं टॉर्सन एंगल। क्लियर, तो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, देखो ये ट्राई एटोमिक सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन बाय बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। जो एक ट्राई एटोमिक सिस्टम होता है यानी तीन एटम्स का जो सिस्टम होता है उसको तो हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के द्वारा समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, या ये एटम है, ये एटम है और ये एटम है, इसको हम इसके बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड लेंथ के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेट्रा एटोमिक सिस्टम हो, टेट्रा एटोमिक सिस्टम का मतलब यहाँ पर एक और एटम जुड़ जाए, अब इसको हम इस बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अन्य डाटा की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल और टॉर्सन एंगल। तो ट्राई एटोमिक सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन बाय बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बट इन द केस ऑफ टेट्रा एटोमिक सिस्टम द अबाउट टू डाटा आर नॉट सफिशियंट टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अनदर डाटा दैट इज डायहेड्रल एंगल इज आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, टेट्रा एटोमिक सिस्टम की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए केवल बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की ही आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए कुछ अन्य डाटा भी रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। अब इन अ टेट्रा एटोमिक सिस्टम बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम्स लाइज इन द सेम प्लेन और इन द डिफरेंट प्लेन एंड द एंगल इन बिटवीन दीज टू प्लेन इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एटम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्लेन में भी हो सकते हैं, वो दो अलग डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं, और इन दोनों प्लेन का जो बॉन्ड एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। कैसे, जैसे एग्जांपल ये लो एक्रिस्ट कन्फर्मेशन है ना, एक्रिस्ट कन्फर्मेशन में आप देखो कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 0 degree, जिसको बोलते हैं टॉर्सन एंगल। यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 60 degree, और यहाँ 180 degree, ये क्या है, डायहेड्रल एंगल। तो ये दोनों देखो, ये वाला हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन क्या है, पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्लेन तो ये इसको काटता हो जाएगा और एक प्लेन इसको काटता हो जाएगा, वो पीछे वाला है ना, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 degree है। इसी प्रकार एक प्लेन ये वाला हो गया और एक प्लेन पीछे वाला हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 degree, और ये तो दोनों सेम प्लेन में, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 0 degree। तो इस प्रकार से दो प्लेन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है डायहेड्रल एंगल। अब बात करते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन या पिट्चर स्ट्रेन क्या होती है। द हिंडर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। कार्बन कार्बन बॉन्ड के जो हिंडर रोटेशन है उसी को हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, इन टॉर्सनल स्ट्रेन फॉलोइंग 3 factors कंट्रीब्यूट्स। टॉर्सनल स्ट्रेन में निम्न 3 factor कंट्रीब्यूट करते हैं, एक तो रिपल्सन इन बिटवीन द एटम्स। क्लियर, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, रिपल्सन इन बिटवीन द एटम। दिस रिपल्सन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्रिस्ट फॉर्म। जैसे ये एक्रिस्ट कंफर्मेशन दे रखा है अपने, इसमें ए और डी, बी और ई और सी और ई एक दूसरे को अध्यारोपित किए हुए हैं, ये सोर्स रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर आप देखो ए और बी, क्योंकि एक्रिस्ट कंफर्मेशन है तो ए और बी के बीच में रिपल्सन होगा, सी और एफ के बीच में रिपल्सन होगा और बी और ई के बीच में रिपल्सन होगा,
और हम सब जानते हैं जब रिपल्सन होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यानी कि एटम्स के बीच में जो रिपल्सन है ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है, उसको अस्थायी करता है, उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है रिपल्सन इन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन, ये एक्सिस कंफर्मेशन में ये दिस बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी एक्सिस फॉर्म। ये एक्सिस फॉर्म में यहाँ पर हमने पिछले एटम्स के बारे में, अब यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण भी जितने भी बॉन्ड्स हैं जो एक्लिस फॉर्म में, जैसे सी ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्सन होने के कारण इस एक्लिस कन्फर्मेशन की जो एक्लिस फॉर्म है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी वो डिस्टेबलाइज होगा। अगला फैक्टर देखो, अगला फैक्टर है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। अब यहाँ पर स्टेगर्ड कंफर्मेशन देखो, सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, इस प्रकार का इंट्रैक्शन स्टेगर्ड फॉर्म में पाया जाता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, और दिस इंट्रैक्शन डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेगर्ड फॉर्म। और यह जो इंट्रैक्शन है यह सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्टेगर्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज, और उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज। देखो यहाँ पर जैसे ये अगर सी और बी है, यहाँ पर अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये इसके अपोजिट कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ पर इस सी और डी के बीच में देखो बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस वेकेंट ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि खाली रहता है, इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो सकता है। क्लियर, आइए हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये अपना पी ऑर्बिटल वेकेंट, ये पी ऑर्बिटल के बीच में हाइपर कंजुगेशन जो डीलोकलाइजेशन होता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इस बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कहाँ हो सकता है, इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में, इसके कारण सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सब जानते हैं कि डीलोकलाइजेशन के कारण एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये किसमें पॉसिबल है, ओनली स्टेगर्ड फॉर्म में। तो यही कारण है कि जो स्टेगर्ड फॉर्म होती है वह एक्लिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन पाया जा रहा है एक तो, और जो एक्लिस का फॉर्म है उसमें बॉन्ड जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है, एटम्स एटम्स के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण एक्लिस फॉर्म की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमको पता होना चाहिए जब कंफर्मेशन एनालिसिस में, एथेन का पढ़ेंगे, ब्यूटेन का पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।